स्वागत है जी तुहाडा सब दा तुहाडे अपने चैनल पंजाब नॉलेज हब दे विच। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तां चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो ते बैल आइकन दा बटन दबाना ना भूलो ताकि आने वालियां स्टडी रिलेटेड वीडियोस दी अपडेट तुहानू समय से मिलदी रहे। सो आज दी इस वीडियो च असी करंट अफेयर कवर करांगे, ठीक है जी। करंट अफेयर दी स्पेशल क्लास है ये, 10 तो लैके 17 अक्टूबर तक के करंट अफेयर ने जेड़े असी वो कवर करांगे। सो जेड़े भी विद्यार्थी क्लास अटेंड कर रहे ने वो वीडियो नू लाइक जरूर करन ते चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर लैन ताकि आने वाली नवी नवी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहानू सब तो पहला मिल सके। सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टेनिस प्लेयर हैज़ वोन इट हिज 19th ATP टाइटल इन द फाइनल ऑफ 2022 अस्ताना ओपन। अस्ताना ओपन 2022 के फाइनल मुकाबले विच किसने 90वां ATP टाइटल जीता है? तां यह जीता है नोवाक डजोकोविक ने, ठीक है जी। किसनों हरा के जीता है? स्टीफेनोस त्सित्सिपास नूं हरा के जीता है। अस्ताना ओपन होया कित्थे है? कजाकिस्तान विखे अस्ताना ओपन होया, ठीक है जी। इतों तुहाडा सारा कुछ कवर हो गया। तिने क्वेश्चन जो एग्जामिनर तुहानू पूछ सकता है वह इतों कवर हो गए। सैकेंड क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। नाल नाल क्रक्स भी असी करते रहेंगे। नेम द इसरो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर दैट हैज मैप्ड एन अबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। इसरो दे एक्सरो स्पेक्ट्रोमीटर का नाँ दसना है जिसने दसिया कि अबंडेंस ऑफ सोडियम है मून सरफेस पर, तो उसका नाँ है स्पेक्ट्रोमीटर का क्लास, ठीक है जी। हुण जेकर असी इसरो की गल करिए तो इसरो की फुल फॉर्म की है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो इस्टैबलिश कदों हुई सी? 15 अगस्त 1969 नूं, 15 अगस्त 1969 नूं। इसरो दे जो प्रेजेंट चेयरमैन ने वह कौन ने? एस सोमनाथ, ठीक है जी। यह एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन है जो कि तुहाडे वास्ते एग्जाम च लाभदायक होगी, ठीक है जी। यह एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन है करंट अफेयर्स दे नाल। अगे चलते थर्ड क्वेश्चन। नेम द इंडियन हॉकी प्लेयर हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2021-2022 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर इन मैंस कैटेगरी। कहिंदे जी FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसनों चुने गया? मैंस कैटेगरी विच। मैंस कैटेगरी विच चुने गया हरमनप्रीत सिंह नूं। दूजी बारी चुने गया है हरमनप्रीत सिंह नूं। हुण एग्जामिनर दूजा की क्वेश्चन पूछ सकता है? वह क्वेश्चन पूछ सकता है वूमेन्स कैटेगरी विच किसनों मिला FIH प्लेयर ऑफ ईयर द रिकॉग्नाइजेशन? तो वूमेन्स कैटेगरी विच मिला फिलाइस एल्बर्स नूं जो कि नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं, क्योंकि अजकल क्वेश्चन पूछने लग गए। फिलाइस एल्बर्स जिसनों FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिले वूमेन्स कैटेगरी विच, वह कितों बिलोंग करते हैं? तो वह कितों बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड तो। होर की पूछ सकता है? FIH की फुल फॉर्म पूछ सकता है? इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन असी इसनों कहते हैं। होर कोई की क्वेश्चन पूछ सकता है? हैडक्वाटर कितने ने FIH के? तो FIH के हैडक्वाटर कितने ने? लोसैन स्विट्जरलैंड विखे। लोसैन स्विट्जरलैंड विखे याद रखना है तुसी, ठीक है जी। जो असी ये करंट अफेयर कर रहे हैं ये एज टीज तुहानू पिक दी फॉर्म च साडे टैलीग्राम ग्रुप विच मिल जाएंगे। जेकर तुसी साडे टैलीग्राम ग्रुप के मैंबर नहीं हो तो तुसी सिंपली करना की है, टैलीग्राम पर जाके सर्च करना है पंजाब नॉलेज हब। तुसी टैलीग्राम पर जाके सर्च करना है पंजाब नॉलेज हब, उत्थे साडा चैनल आ जाऊगा, उसनू तुसी जॉइन कर लेना डेली स्टडी अपडेट्स वास्ते। चलते हैं अगले क्वेश्चन वाल। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022 की थीम की है? तो उसकी थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रियोरिटी। जेकर असी गल करिए हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर नूं। पहली बार यह मनाया गया सी 10 अक्टूबर 1992 नूं,
ते वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ इस्टैबलिश हुई सी 1948। ठीक है जी, एक्स्ट्रा क्रैक्स ने। पंजवा क्वेश्चन, आफ्टर विनिंग द टाइटल ऑफ 2022 फॉर्मूला वन जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स, हु हैज बिकम द फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन फॉर द सेकेंड टाइम। फॉर्मूला वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप दूजी बारी कौन बनया? मैक्स वर्स्टैपन। सेकंड रनर अप कौन रहे ने? सरगियो पेरेज। ते फिफ्थ च कौन रहे? फिफ्थ नंबर ते कौन रहे ने? ल्यूइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज तो बिलोंग करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, मानेसर एंटी टेरर 2022 अ मल्टीनेशनल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय विच आर्म्ड फोर्सेज। मानेसर एंटी टेरर 2022 मल्टीनेशनल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज है, यही कंडक्ट की है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है जी, एक्सरसाइज हुई कितने है? मानेसर गैरिसन विच। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इस्टैबलिश कदों होया है? 22 सितंबर 1986, 22 सितंबर 1986। ठीक है जी। सेवंथ क्वेश्चन, विच एरोस्पेस कंपनी हैज रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन फॉर इट्स इंडिजिनियस डिवेल्प डिजाइंड A200 ड्रोन। कहते जी पहली एरोस्पेस कंपनी केड़ी है भारत की जिसनों माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन दिता गया है? तो वह है अस्तीरिया एरोस्पेस लिमिटेड, अस्तीरिया एरोस्पेस लिमिटेड। अठवां क्वेश्चन है, रिपोर्ट तो यह क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज दी पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पैरिटी 2022 रिपोर्ट। पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पैरिटी 2022 रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक। हुण वर्ल्ड बैंक के बारे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन असी देख लेंगे। वर्ल्ड बैंक इस्टैबलिश कदों होया सी? 1944 विखे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कित्थे है? वॉशिंगटन डीसी विखे। ते प्रेसिडेंट कौन ने वर्ल्ड बैंक दे? डेविड आर मालपास, जो कि 13वें प्रेसिडेंट ने, क्योंकि अजकल एग्जाम्स जो सिनेरियो चल रहा है वो पूछ लेंगे ने डेविड आर मालपास जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने, वो 19वें प्रेसिडेंट ने, तो वो 13वें प्रेसिडेंट ने। ठीक है जी, जहाँ वो पूछ लेंगे ने 13th प्रेसिडेंट कौन ने वर्ल्ड बैंक के। नाइन्थ क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम अ वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर हैज बीन अप्रूव्ड फॉर विच आर्म्ड फोर्सेज। ठीक है जी, तां केड़ी आर्म्ड फोर्सेज वास्ते वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर शुरू की गई है? इंडियन एयरफोर्स विच। जेकर असी एयर चीफ मार्शल देखिए एट प्रेजेंट, तां ओह ने VR चौधरी। IF इंडियन एयरफोर्स वैसे इस्टैबलिश हो गई सी 8 अक्टूबर 1932 नो, लेकिन नेशनलाइजेशन दे तौर पे जे असी देखिए फाउंड हुई सी ये 26 जनवरी 1950। 10th क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द कमीशन रिसेंटली सेट अप टू एग्जामिन द शेड्यूल कास्ट स्टेटस फॉर कन्वर्टेड दलित्स। ठीक है जी, हेड कौन है उस कमीशन दा जो कि शेड्यूल कास्ट स्टेटस फॉर कन्वर्टेड दलित नू एग्जामिन करूंगा? तो वह है जी जस्टिस KG बाला कृष्ण, जस्टिस KG बाला कृष्ण। हुण असी देख लेंदे आ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ, आर्टिकल रिलेट केड़ा करता है SC ST नाल? तो वह आर्टिकल है जी 335, आर्टिकल नंबर 335। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन सी? जस्टिस HG कानिया, HG कानिया। 11th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोधेरा विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज इज लोकेटेड इन। तो मोधेरा जो कि 24x7 सोलर पावर विलेज है वह गुजरात विच पैंदा है। गुजरात च यह केड़े जिले विच पैंदा है? महसाना जिले विच यह पैंदा है। जेकर असी सीएम गुजरात के सीएम की गल करिए, तो गुजरात के सीएम ने भूपेंद्र रजनीकांत पाटिल। 12वां क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च दी एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है WEF ने। WEF दी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसी देखिए,
फुल फॉर्म होंगी है WEF दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस्टैबलिश होया सी जनवरी 1971। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन कौन ने एट प्रेजेंट? प्रोफेसर क्लॉज स्क्वैब। ठीक है जी, यह एट प्रेजेंट इस दे चेयरमैन। 13th क्वेश्चन, द नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमी साइंस 2022 वाज अवॉर्डेड टू थ्री सिटीजन फॉर देयर रिसर्च इन विच फील्ड। कहते जी 2022 इकोनॉमिक साइंस 2022 का नोबल मेमोरियल प्राइज है जो वह तीन साइंटिस्टा नु दिता गया किसकी खोज कारण? बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस की। कि तीन साइंटिस्ट ने? पहले ने जी बेन एस बर्नानके, सैकेंड ने डगलैस डबल्यू डायमंड, ते थर्ड ने फिलिप एच हाइब्यू। ठीक है जी, ये तीन साइंटिस्ट ने जिन्हों दिता गए। 14वां क्वेश्चन, विच स्टेट होल्ड द राइट टू होस्ट 37th एडिशन ऑफ नैशनल गेम्स इन 2023। 2023 राष्ट्रीय खेडा ने जिहड़ा उन्हां दा 37वां एडिशन, किहड़ा राज उसकी मेजबानी करेगा 37वें एडिशन के राष्ट्रीय खेडा की? तो गोवा करेगा। ठीक है जी, इस दौरान सानू एक्स्ट्रा इनफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जिहड़ी अपनी 19वीं एशियन गेम्स ने वह स्टार्ट होणगियां 23 सितंबर तो 8 अक्टूबर 2023। ठीक है जी, कित्थे होणगियां? हंगजो चाइना विखे ये होणगियां। जेकर असी 36th नैशनल गेम्स अपनी राष्ट्रीय खेडां दी गल करिए तां ओह कित्थे होईयां ने? सूरत गुजरात विखे होईयां। ठीक है जी, 15वां क्वेश्चन, नेम द क्रिकेट पर्सनैलिटी हु हैज बीन अवॉर्डिड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर 2022 इन वूमेन्स कैटेगरी। देखो तुहानू सब नू पता है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनिया जाता है हरेक महीने वास्ते, तो सितंबर 2022 विच आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसनू चुनिया गया? वूमेन्स कैटेगरी। वूमेन्स कैटेगरी चुनिया गया हरमनप्रीत कौर नू, ते मेन्स कैटेगरी विच चुनिया गया मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। 16th क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2022? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की थीम है अवर टाइम इज नाउ अवर राइट्स अवर फ्यूचर। जेकर असी गल करिए हर साल एनुअली यह ऑब्जर्व किया जाता है 11 अक्टूबर नू, पहली बार यह मनाया गया सी 11 अक्टूबर 2012। ठीक है जी, दिस ईयर 10th एनिवर्सरी सी किस दी? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। 17th क्वेश्चन, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर अ सेंटर फॉर एथलीट्स ट्रेनिंग इन वाटर स्पोर्ट्स वाज इनोग्रेटेड बाय। ठीक है जी, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहते जी जेड़ा एथलीटा ट्रेनिंग दूगा वाटर स्पोर्ट्स पानी विच खेडी जाने वाली गेम। ठीक है जी, वह किसने उसका उद्घाटन किया? तो किसने किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने। हुण कित्थे बनया वाटर स्पोर्ट्स सेंटर? यह बनया बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। सीएम कौन ने? हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ने। अनुराग सिंह ठाकुर कौन ने? अपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयरस एंड स्पोर्ट्स ने। ठीक है जी, 18वां क्वेश्चन, द सेकेंड एडिशन ऑफ यूएन वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंटरनेशनल कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। दूजा एडिशन यूएन वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंटरनेशनल कांग्रेस का केड़ी मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया है? तो वह आयोजित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। कितने होया? हैदराबाद विखे यह होया। थीम की है इसकी? जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 2022? 2022 दी थीम की है? वर्ल्ड अर्थराइटिस डे दी, इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। जेकर असी गल करिए एनुअली यह मनाया जाता है 12 अक्टूबर नू, पहली बार मनाया गया सी 1996 विच, 1996। 20वां क्वेश्चन, पीएम डिवाइन स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ एम्ड एट डिवेलपमेंट ऑफ विच रीजन। तो पीएम डिवाइन स्कीम जो कि तुसी रिसेंटली न्यूज़ च देखी होनी, वह किस दी डिवेलपमेंट वास्ते है? नॉर्थ ईस्टर्न
रीजन दी। 21वां क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च एन इनिशिएटिव फुटबॉल फॉर ऑल इन एसोसिएशन विद फीफा। ठीक है जी, तो फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव किसने शुरू किया है फीफा नाल मिलके? तो वह शुरू किया है ओडिशा ने। जेकर असी ओडिशा के सीएम की गल करिए, एट प्रेजेंट ओडिशा के जो सीएम ने उन्होंने नवीन पटनायक। हुण असी गल कर लेंदे हां फीफा बारे। जेकर असी फीफा बारे गल करते हैं तो सब तो पहला साढ़े दिमाग च क्वेश्चन आता है फीफा बनी कदों होनी। फीफा फाउंडेड इन 21 मई 1904 नू, 21st of May 1904 नू फीफा इस्टैबलिश हुई है। हैडक्वार्टर कितने ने? जुरिच स्विट्जरलैंड विखे। प्रेजिडेंट कौन ने एट प्रेजेंट फीफा दे? ग्यानी इनफेंटिनो। ग्यानी इनफेंटिनो एट प्रेजेंट की ने प्रेजिडेंट ने फीफा दे। 22nd क्वेश्चन, ड्रोनी ड्रोन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? ड्रोनी ड्रोन जो मैन्युफैक्चर किया गया वह बनाया गया गरुड़ा एयर स्पेस द्वारा। यह जिहड़ा ड्रोनी है ड्रोन ये मशहूर क्यों है? क्योंकि इसनों लॉन्च किया है महिंद्रा सिंह धोनी ने। हुण गल कर लेंदे हैं यह बनाया किसने? गरुड़ा एयर स्पेस ने। तो गरुड़ा एयर स्पेस फाउंडर फाउंडर आना सी थे, फाउंडर ऑफ कंपनी। गरुड़ा एयर स्पेस के फाउंडर कौन ने? अग्निश्वर जया प्रकाश। 23rd क्वेश्चन, एज पर द आईएमएफ रीसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज 2022-2023 जीडीपी फोरकास्ट? तो आईएमएफ दे रीसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी की है 6.8%। ठीक है जी, यह रिपोर्ट रिलीज किसने की है? सेम तुहानू पता ही लग गया, इंटरनेशनल मोनिटरी फंड। इंटरनेशनल मोनिटरी फंड के जेकर हैडक्वार्टर की गल करिए कितने ने? वॉशिंगटन डीसी विच। हैड कौन है आईएमएफ का इंडिया विच? तो वह ने एट प्रेजेंट गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ। 24th क्वेश्चन, हु इज सेट टू टेक ओवर एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो 50th चीफ जस्टिस कौन ने? जस्टिस डी वाई चंद्राचूड़। ठीक है जी, जस्टिस डी वाई चंद्राचूड़। 49th सीजीआई कौन ने अपने? जेडे एट प्रेजेंट ने यूयू ललित, जो कि 8 नवंबर नू रिटायर हो रहे हैं। ठीक है जी, फेडरल कोर्ट जिसनों सुप्रीम कोर्ट भी बाद च कहा जान लगे। फेडरल कोर्ट कदों इस्टैबलिश हुई जी? 1 अक्टूबर 1937 नू। ते सुप्रीम कोर्ट कदों हुई? 28 जनवरी 1950। फेडरल कोर्ट का ही नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट कर दिता गया। 25th क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप द लॉजिस्टिक इंडेक्स इन लीड्स 2022 रिपोर्ट? तो लॉजिस्टिक इंडेक्स किसने टॉप किया है? आंध्र प्रदेश ने। लीड्स की फुल फॉर्म की है? लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पहली बार यह रिपोर्ट कदों रिलीज हुई सी? 2018। ठीक है जी, 26वां क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी की है वर्ल्ड वाइड फंड ने। वर्ल्ड वाइड फंड बारे अपा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे हैं। वर्ल्ड वाइड फंड इस्टैबलिश कदों होया सी? 26 अप्रैल 1961 वी। प्रेजिडेंट कौन सी वर्ल्ड वाइड फंड का? पवन सुखदेव एट प्रेजेंट ने। हैडक्वार्टर कितने है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, 27th क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर इंडेंजर्ड सिलेंडर लॉरीज इज टू बी सैटअप इन विच स्टेट? तो भारत की पहली सेंचुरी है इंडेंजर स्पीस सिलेंडर लॉरीज वास्ते तमिलनाडु विखे। 28th क्वेश्चन, वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वैलिटी इंडैक्स 2022? इन इक्वैलिटी इंडैक्स कमिटमेंट च इंडिया की रैंकिंग है 123। यह इंडैक्स पब्लिश किसने किया है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डिवेलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। टॉप थ्री कंट्रीज इस केड़ियाँ रही ने? नॉर्वे जर्मनी ते ऑस्ट्रेलिया। टोटल कंट्रीज किनिया ने इंडैक्स विच? 161।
29th क्वेश्चन, टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ ट्राई सर्विस फंड नेम्ड आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड विच वेबसाइट विल बी लॉन्च, केड़ी वेबसाइट लॉन्च की गई है माँ भारती के सपूत, यह लॉन्च किसने की है, राजनाथ सिंह ने जो कि डिफेंस मिनिस्टर ने, गुडविल एम्बेसडर कौन ने इसके, अमिताभ बच्चन जी ने, वेबसाइट लॉन्च कदों हुई है 14 अक्टूबर। तीवा क्वेश्चन, हु हैज वोन द टाइटल ऑफ बेस्ट फीमेल प्लेयर इन द 36th नेशनल गेम्स, बेस्ट फीमेल प्लेयर का खिताब किसन मिले 36वीं राष्ट्रीय खेडा विच, तो वह मिले हर्षिका रामाचंद्रन। हुण तुहानू एग्जामिनर की पूछ सकता है, हर्षिका रामाचंद्रन जिन्हों बेस्ट फीमेल प्लेयर का अवार्ड मिले 36वीं राष्ट्रीय खेडा विच, वह केड़ी खेड नाल संबंधित ने, स्विमिंग। दूजा की पूछ सकता है, बेस्ट मेल प्लेयर का खिताब किसन मिले, तो साजन प्रकाश न मिले जो कि केरला तो बिलोंग करते हैं। तीजा क्वेश्चन की पूछ सकता है, 36वीं नैशनल खेडा हुई कितने, तो सूरत गुजरात विखे हुई ने 36वीं नैशनल खेडा। 31वां क्वेश्चन, प्ले पॉइंट्स अ ग्लोबल रिवार्ड प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय, तो प्ले पॉइंट एक ग्लोबल रिवार्ड प्रोग्राम है, किसने शुरू किया, गूगल ने। एक्सट्रा इनफॉर्मेशन देख लेंगे, सीईओ कौन ने गूगल दे, सुंदर पिचाई। गूगल इस्टैबलिश कदों होया सी, 4 सितंबर 1998, 4th of September 1998। गूगल ने पहली बार भारत में अपनी सर्विस कदों शुरू की थी, 2004। 32nd क्वेश्चन, फर्म कामपुरा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी हैज बीन स्टार्टेड इन विच इंडियन इंस्टीट्यूशन, परम कामपुरा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी स्टार्ट की गई है IIT गुवाहाटी, किसने शुरू की है, इनोग्रेट उद्घाटन किसने किया है, प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। जेकर असी आप गल करिए तो साढ़े एट प्रेजेंट वाइस प्रेजिडेंट कौन ने, जगदीप धनकर। 33rd क्वेश्चन, वट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 2022 दी थीम की है, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, ठीक है जी, एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 14 अक्टूबर, 14th of October। 34th क्वेश्चन, पावर एक्स 2022 इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन पावर CSIRTs एंड CERT इन, ठीक है जी, इस दी थीम की है, to recognize, analyze and respond to cyber incidents in IT and OT system, hosted किसने किया है, CERT IN। 35th question important है, as per the 2023 Times Higher Education ranking, how many Indian institution placed in the top 300 list of world university ranking, तब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग च केड़े इंडिया के किन्ने इंस्टीट्यूट ने, एक है ओनली इंडियन यूनिवर्सिटी केड़ी है, IISc बेंगलुरु, रैंक टॉप किसने किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने 7वीं बारी, ठीक है जी। 36th क्वेश्चन, द 6th एडिशन ऑफ द सीनियर पैनकेक सिलैट चैंपियनशिप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन, 6वां एडिशन सीनियर पैनकेक सिलैट चैंपियनशिप का कितने आयोजित किया गया, श्रीनगर विखे, इसकी शुरुआत किसने की है, मनोज सिन्हा ने, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल ने, ठीक है जी, कितने दे, जम्मू एंड कश्मीर दे। पैनकेक सिलैट इंट्रोड्यूस किया गया सी भारत विच 2014 विच। 37वां क्वेश्चन, Which bank has become the first bank in India to achieve the rupees 6 trillion AUM in the home loan segment? तो वो बैंक केड़ा है? State Bank of India। कदों बनया सी? 1 जुलाई 1955। फर्स्ट चेयरमैन कौन सी? दिनेश कुमार खरा। SBI ने होर की लॉन्च किया है? नेक्स्ट जनरेशन कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस। 38th क्वेश्चन, द 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मल्टीनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज IB समर हेल्ड इन विच सिटी,
ता ए हुई है साउथ अफ्रीका विच 10 तो लेके 12 अक्टूबर चो ये हुई है प्रीवियस एडिशन हुए सी साइमंस टाउन चीज था। 39th क्वेश्चन ते आज दा आखरी क्वेश्चन विच सिटी वाज होस्ट टू दी जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसनों असी इंटरपोल भी कहते हैं। उस दी जनरल असेंबली दी मीटिंग कौन होस्ट करूंगा? दिल्ली। इंटरपोल दी जेकर असी गल करिए तां इंटरपोल दे हेडक्वार्टर ने लियोन फ्रांस विच। इंटरपोल बनी सी 1923 विखे। एट प्रेजेंट इंटरपोल दे प्रेजिडेंट ने अहमद नसीर अल रियासी। इस दे नाल ही अज दी अपनी स्पेशल क्लास करंट अफेयर दी खत्म हुंदी है जिस विच अज दी क्लास विच असी 10 तो लैके 17 अक्टूबर तक दे करंट अफेयर कवर कीते। जेकर तुहानू अज दी एक क्लास वधिया लगी है तां क्लास तुसी वीडियो नू लाइक जरूर करो ते अपने यारां दोस्तां नाल शेयर जरूर करो। जो भी असी ये क्वेश्चन कीते ने ये पिक दी फॉर्म च तुहानू साडे टैलीग्राम ग्रुप विच मिल जाणगे। तुसी सिंपली साडे टैलीग्राम ग्रुप नू ज्वाइन करन वास्ते करना की है, तुसी जाके सर्च करना है पंजाब नॉलेज हब। टैलीग्राम ते यूट्यूब ते इंस्टाग्राम ते तुसी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते साडे चैनलों नू सबसक्राइब कर लेना है, ठीक है जी। इंस्टाग्राम पेज नू भी साडे नू फॉलो कर लेना है तुसी ताकि स्टडी रिलेटेड अपडेट्स तुहानू जल्दी मिलदियां रहन। ते सारे स्टूडेंट्स वास्ते बहुत ही खुशी दी गल है कि सेंटर वालों कंप्यूटर दी बुक जल्दी ही लॉन्च कीती जा रही है जिस विच डिटेल कंप्यूटर दे नोट्स ने ते वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है जी। वन लाइनर ते डिटेल सारा कुछ ही मिक्स है, ठीक है जी। यह बुक 350 इसदी जो कीमत है वो रखी गई है। 350 च डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूडेड ने। 350 च ये बाय पोस्ट तुहाडे घर तक पहुंचाई जाऊगी। डिलीवरी वास्ते तुसी कोई अलग तो पैसा नहीं दे। सो इस बुक दे रिगार्डिंग बाइंग प्रोसीजर जल्दी ही तुहानू दस दिता जाएगा तुसी किवें खरीद सकते हो। जेडे विद्यार्थी इंटरेस्टेड ने ओह स्क्रीन ते दिख रहे नंबर 9041540772 ते व्हाट्सएप करके बुक दी है जो बुकिंग करा सकते। सो स्क्रीन ते तुसी साडे चैनल दे ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हो। हुण तुसी सानू फेसबुक टैलीग्राम इंस्टाग्राम ते यूट्यूब ते फॉलो कर सकते हो। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते सानू फॉलो करने लई लिंक ने जिहड़े ओह वीडियो दे डिस्क्रिप्शन विच दित्ते होए ने, जां फिर तुसी इन्हां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते जाके सर्च कर सकते हो @PunjabKnowledgeHub। सो एक बार फिर तो जेकर तुहानू अज दी इह वीडियो वधिया लगी तां वीडियो नू लाइक जरूर करो ते चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलो। थैंक यू।